हेलो, आज के सिविल राइट अवेयरनेस सीरीज में इस एपिसोड में हम कोविड-19 और उससे रिलेटेड जो पूरे इंडिया में जो 24 मार्च के बाद लॉकडाउन लगाया गया है उससे रिलेटेड हम कुछ लीगल रेमेडीज के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 24 मार्च के बाद जो पूरे इंडिया में इस कोविड-19 पेंडेमिक के बाद लॉकडाउन लगाया गया है उसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जो है पहले इनिशियली डेज में 21 डेज का जो स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन लगाया गया था उस लॉकडाउन के तहत जो काफी सामने आने वाले जो इवेंट्स थे, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट का एक लोकल लोगों के साथ जो एक व्यवहार रहा है, स्पेसिफिकली जो उनको लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए जो पुलिस ने जो रेमेडीज जो चूज की है, क्या वो रेमेडीज लीगल लीगल एस्पेक्ट में और कानूनन दायरे में क्या वो सही है, क्या वो उनकी एक्शंस कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट में जस्टिफाई करती है, या वो उनकी जो एक्शंस है कहीं ना कहीं लीगल एम्बिट में उसका कहां जगह है। आज हम सब इसी टॉपिक पर इस एपिसोड के अंदर इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 मार्च के बाद जो इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद आप सभी लोगों को ये बोला गया था कि पैंडेमिक है और वाकई में ये पैंडेमिक बहुत डेंजरस है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गैर जरूरी काम के लिए बिल्कुल अपने घर के बाहर ना निकले, मगर इनकेस अगर आप कोई आपके जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसमें आपके मानव अधिकार का उल्लंघन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे क्या राइट्स है जो लॉकडाउन के अंदर जो हमें इसेंशियल्स दिए हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत इसेंशियल है और वो राइट्स के बिना जो है दुनिया में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो अब इसके बारे में अब जो काफी घटनाएं आपने अगर देखी होगी सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर पे या फेसबुक जो सोशल मीडिया साइट्स है उस पर काफी तरीके की जो अपने घटनाएं अपने सामने आई, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक व्यवहार रहा है लोगों के साथ। हालांकि एक अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो पुलिस प्रशासन इस पूरे पैंडेमिक में बहुत मेहनत से काम कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक राइट है तो दूसरे की ड्यूटी है, तो वो दोनों का अगर कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन किया जाए तो हमें लगता है कि पैंडेमिक जो है पूरी तरीके से इंशाल्लाह पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि पुलिस ने सुबह में जो लोग स्पेशली मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है, उनको डिटेन किया है और तरह तरीके के पनिशमेंट्स आप लोगों ने देखे हैं। जिस तरीके से पुलिस की कुछ जगहों पर पुलिस की ब्रूटेलिटी भी सामने आई है और बहुत से इसमें दिखाया गया है कि उनके हाथ में जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे उस टाइम पे लोगों के हाथ में पुलिस प्रशासन द्वारा प्ले कार्ड्स दिए गए हैं, उस पे तरह तरीके के थॉट्स लिखे थे कि मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं लॉकडाउन का उल्लंघन करूंगा। तो इस रेफरेंस में लोगों के लीगल राइट्स क्या है इसको मद्देनजर रखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में एक पीआईएल दाखिल की गई थी जिसका नंबर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 35/2020। ये बॉम्बे हाईकोर्ट है जिसे लॉर्डशिप रोहित देव ने पास किया। इसमें बेंच ने बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन दिए है कि किसी भी तरीके का लॉकडाउन उल्लंघन करने के लिए लीगल लॉस के अंदर पुलिस के पास जो पावर है पुलिस उसी पावर का यूज करे, और जो पीठ ने जो ऑब्जर्वेशन जो दिया है बेंच ने वो दिया है कि लॉकडाउन के आड़ में कोई गैर कानूनी सजा नहीं। बोलने का मतलब पुलिस प्रशासन के पास क्या मारने के अधिकार है? तो इस पीठ से, इस जजमेंट से हमें ये माहिती मिलती है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई जो पुलिस कर रही है वो सरासर तौर पर इलीगल है। अब इसके लीगल रेमेडीज क्या है और इस जजमेंट के एंड में जो जस्टिस ने जो ऑब्जर्व किया है वो इस तरीके से जस्टिस ने वॉर्न किया है नागपुर हाईकोर्ट बॉम्बे में, नागपुर हाईकोर्ट ने, कि इस तरीके की अगर कोई भी घटनाएं होती है तो उस एरिया के वरिष्ठ अधिकारी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरीके के डायरेक्शंस और इस तरीके के वार्निंग इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा नागपुर हाईकोर्ट ने पूरे जो है सर्कुलेट किया गया है। अब दूसरी बात, अगर आप इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप पे क्या कार्रवाई हो सकती है और आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये इस टॉपिक पे हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे जो आम तौर पे जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये लॉकडाउन लगने के बाद जो वेरियस एक्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये कोई एक नया एक्ट नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये 2005 से इम्प्लीमेंट है। ये किसी भी तरीके के नेचुरल क्लाइमिटीज है जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, इसके अलावा जो भी नेचुरल क्लाइमिटीज है ऐसे टाइम में इस एक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है। मगर क्योंकि ये जो डिसीज है ये नेशनल डिजास्टर एक्ट में आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाइड किया
होम मिनिस्ट्री ने इसको COVID-19 को नोटिफाइड डिजास्टर किया और इसके बाद जो गवर्नमेंट का स्कोप बढ़ा है सेक्शन 2D के अंदर डेफिनेशन के अंदर COVID-19 को एज एन नोटिफाइड डिजास्टर करके इंक्लूड किया गया। उसके बाद जो है पूरे इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया। इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक जाते हैं डीप में थोड़ा सा। इस एक्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसकी एक स्टेटरी बॉडी होती है जिसके अंदर सेक्शन 3(1) के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब जो बहुत कॉमन से सवाल जो हम लोगों के दिमाग में इस लॉकडाउन के दौरान आते हैं वो ये है कि अगर मैं इस लॉकडाउन में अगर कहीं बाहर निकलूं तो क्या मुझे जेल हो सकती है। ये जो बहुत एक कॉमन सवाल जो बहुत से लोगों के दिमाग में अभी भी इस वक्त चल रहा होगा कि लॉकडाउन का जो टाइम है या लॉकडाउन का अगर मैं कुछ उल्लंघन करता हूं तो मुझ पे क्या कार्रवाई होगी। अगर पहले बात तो आप आपके जरूरी काम के लिए बाहर जा सकते हैं, मगर आपको उसके लिए आपकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, जो WHO के गाइडलाइंस के माध्यम से जो ड्राफ्ट की गई है, वो आपको गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आप बहुत इसेंशियल काम है उसी लिए आप बाहर जाइए, और इनकेस अगर आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क जरूर पहनिए और जो ज्यादा जगहों को जो आप टच कर रहे हैं उसको सैनिटाइज वगैरह कीजिए, अपने हाथ बार बार धोइए। उसके बाद भी अगर आप पे कोई वॉयलेशन होता है तो इस ऐसे कंडीशन में जो है आपको पुलिस डिटेन जरूर कर सकती है कि सर्टन ऑर्डर्स कैसे है कि लॉकडाउन में सिर्फ एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंटेड नहीं है, इसके साथ साथ आपको धारा 188 भी कभी कभी झेलना पड़ सकती है। अगर आप पे धारा 188 के अंदर में चार्ज हुआ तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर के जो पेनल्टीज जो स्पेसिफिक दिए गए हैं सेक्शन 51 से 68 तक के वो अवेलेबल पेनल्टीज है। ऐसे कंडीशंस में अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपको कोर्ट से बेल मिल जाती है। पहली बात तो यह है कि अगर आप लॉकडाउन में अगर बाहर निकलते हैं तो आप पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 लग सकता है जिसके अंदर आप गाइडलाइंस का जो है कहीं ब्रीच कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो सेक्शन 51 लग सकता है। उसके अगर आपको सेक्शन 51 अगर आप पे इंप्लीमेंट हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी, आपको कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट के बाद जो है आपको बेल देना है क्योंकि वो ऑफेंस बेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक की नहीं है कि वीडियो में हम जो है आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप पूरे राइट्स जानने के बाद आप बाहर निकलिए और नॉन एसेंशियल चीजों के लिए भी रास्ते पे घूमे, बिल्कुल नहीं। आप पे कार्रवाई हो सकती है और आपको पुलिस के जो चार्जेस है वो फेस करना पड़ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में जो आता है कि इस पेंडेमिक के टाइम में अगर कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है तो क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब यह है कि ऐसे कंडीशंस में अगर कोई फेक न्यूज को स्प्रेड कर रहा है जिसके वजह से वातावरण खराब हो रहा है या पेंडेमिक को लेके कोई खुलासा कर रहा है कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड नहीं है, ऐसी न्यूज को स्प्रेड करना ये भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऑफेंस है। इसके तहत आपको सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको कन्विक्शन हो सकती है जिसमें 1 साल की सजा और जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। इनिशियल स्टेज में आपको डिटेन करके JMFC जो कोर्ट होता है उसमें आपको प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ऑनरेबल JMFC आपको बेल उसमें दे सकता है क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंसेस है। दूसरा इसके अंदर और एक ऑफेंसेस आता है फॉल्स इंफॉर्मेशन पेनलाइज करने के लिए। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अफवाहों पर भी ऑफेंस रजिस्टर्ड हो सकता है। कोई अगर व्यक्ति इस पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई अफवाह को अगर क्रिएट कर रहा है तो ऐसी अफवाह क्रिएट करना भी एक ऑफेंस है जिसके तहत आपको सेक्शन 52 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आपको कन्विक्शन या फिर उसके चार्जेस आपको देखना पड़ सकता है। अगर इस तरीके के ऑफेंस में आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपका और अपॉन कन्विक्शन आपको क्या पेनल्टी होती है, और उसके अंदर एक अगला ऑफेंस ये है कि ऐसे कंडीशन के अंदर कोई स्टॉक चीज का ब्लैक मार्केट करना ये भी एक ऑफेंस है। जिस तरीके से हम लोगों ने बीच में देखा कि सैनिटाइजर्स वगैरह एकदम शॉर्टलिस्ट हो गए थे और उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, ऐसे कंडीशंस में अगर कोई उस चीज की ब्लैक मार्केटिंग करता है तो ये भी पार्ट इस एक्ट में कवर किया गया है। उसको अगर ऐसा कोई ऑफेंस आप पे मतलब अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस करते हुए शामिल किए जाते हैं तो आपको सेक्शन 53 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आप पे कार्रवाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 2 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है। उसके बाद ये एक्ट जो है ड्यूअल चलता है, ये पुलिस अथॉरिटी पे भी कवर करता है जिसके अंदर के कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है या फिर वो अपने काम से पीछे हट रहा है तो ये एक्ट उन पर भी कार्रवाई करता है। इसके अंदर सेक्शन 56 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर पर है जो लॉकडाउन की ड्यूटी को रिफ्यूज करते हैं या फिर अपना कुछ काम करने से
पीछे हटते हैं, ऐसे कंडीशन पे सरकारी ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिशियल्स पे भी इंक्वायरी या फिर ऑफेंस रजिस्टर्ड हो सकता है, जिसकी पेनल्टी, जिसकी कन्विक्शन पर आपको 1 साल की सजा या जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद जो है, इसके साथ साथ आप पे आईपीसी की भी धारा 188 लगाई जा सकती है। धारा 188 आईपीसी ये है, ये रिलेशन टू डिसोबेडियंस है। डिसोबेडियंस मतलब कोई बात को नहीं मानना। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का आप अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये ऑफेंस के डेफिनेशंस में पूरी तरीके से आ रहे हैं। तो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी का अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सजा हो सकती है, और आपको जो है इसके अंदर भी, मगर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी भी बेलेबल सेक्शन है, आपको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल जेएमएफसी कोर्ट से आपको बेल मिल सकती है। इसके बाद फॉल्स एड टू क्लेम एड, अगर आप ऐसे कंडीशन के अंदर जो है झूठी मदद अगर मांग रहे हैं या फिर झूठा कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी आपको जो है एक पिनल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके अंदर सेक्शन 52 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आपको पेनल्टी 2 साल की सजा और फाइन दोनों आपको देना पड़ सकता है। तो ये है कुछ इसके इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम, ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरीके से आप पर कार्रवाई की जा सकती है, और इस तरीके के अगर कोई घटना है, इसके अलावा अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके अलावा कोई टॉर्चर करता है या किसी तरीके से उनके साथ ब्रूटेलिटी करता है तो ये सरासर इलीगल होगा, और इसकी रेमेडीज के लिए आप जो है फर्दर हायर अथॉरिटीज के लिए जा सकते हैं। उस रेफरेंस में जो मैंने आपको जजमेंट कोट किया है बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसमें जो है क्लियर तरीके से पुलिस ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप इससे किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम ना करें जिसमें कोई पनिशमेंट आप अपने तरफ से इंपोज करें। इस काम के लिए जो है कोर्ट ऑलरेडी नियुक्त किया गया है, और जो भी रेमेडीज पुलिस को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने में लगाना है उसके लिए जो एक्ट है, और एक्ट में जो ऑफेंसेस है जो भी अपन ने डिस्कस किए, वो एक्ट के हिसाब से ऑफेंसेस लगाना है और उस तरीके से कार्रवाई करना है।